सोचो गाइस, अपने को ट्रिक कैसे लगानी पड़ेगी। अपने को ना वो खाली है ना, उससे वहां पे चढ़नी पड़ेगी। उसके बाद वैसे फाइनली दिल्ली में बारिश हो गई है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी थी यार, बहुत ही ज्यादा 45-44 ऐसे डिग्री चला गया था। तो गाइस, जूता तो खोलना ही पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अभी अपन लोग खोल रहे हैं जूता, क्योंकि आज बारिश तो काफी ज्यादा है यार। अपन लोग कैसे जाए नीचे, सोचो यार। मतलब अपने को काफी डिस्टेंस पे भी जानी है दौड़ के, 200-250 मीटर। तो इतना बारिश में भीग जाएंगे, देख सकते हो कितना तेज बारिश है। ये तो ऊपर से जो इसमें बारिश अटका हुआ है ना पानी, वही नीचे आ रहा है, और नीचे की साइड भी काफी ज्यादा तेज हो रहा है। पानी का बहाव देख रहे हो। तो सारे लोग तो फोर व्हीलर बाइक से सब देखो, उधर से बस से सारे लोग उतर के मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, और अपन लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये देखो, ये भी चालू हो चुका है, पांव रखते के साथ ना स्टार्ट हो जाएगा, बंद है, चालू है, यहाँ से चालू करके गया अभी, देखो चालू हो जाएगा। अरे बंद हो गया फिर से। चलो तब तो अपन लोग इधर से दौड़ के जा सकते हैं। वह इधर देखो यार, बारिश कितना तेज है, और नाला देख रहे हो यार कितना तेज हो गया। ये देखो ना मोहल्ला का हाल यार, मतलब कैसा हो गया भाई, पानी पानी हो गया सारा जगह, देख रहे हो कितने टाइम से बारिश हो रही है। सोचो जब से मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ ना, 6 बजे न्यू दिल्ली पहुँचे ना, 5 बजे पहुँचे थे, 4:55 में सही टाइम पे पहुँचे थे, उसी टाइम से बारिश हो रही थी, अभी तक कंटिन्यू हो रही है। ये देखो दहाड़ टाइप का आ गया यार, कितना पानी। सोचो गाइस, अपने को ट्रिक कैसे लगानी पड़ेगी। अपने को ना वो खाली है ना, उससे वहाँ पे चढ़नी पड़ेगी। उसके बाद वैसे चढ़ के अपने को जानी पड़ेगी, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जिससे अपना कपड़ा ना गंदा हो, क्योंकि गंदा पानी है यार, देख रहे हो कितना गंदा। तो वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और उधर से अपना ट्रिक लगा के जाएंगे, उधर के साइड एकदम सामने की साइड जाते जाएंगे यार, आगे तक पानी है। तो यहाँ से भी अपने को ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अपन लोग जूता खोल लूँ, उसके बाद क्रॉस करूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद बारिश हुई ना, तो काफ़ी तगड़ा वाला बारिश हुई है। लेकिन मानो ना, तो फाइनली दिल्ली में बारिश हो गई है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यार, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी अपन लोग शू को खोल लेते हैं और हाथ में लेके यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और पानी तो भाई कमने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, भीग के ही जाएंगे। सो चलो, कुछ तो मौसम ठंडा हुआ कम से कम, ना से अच्छा हाँ हो गया। चलो अभी जल्दी से चलते हैं। तो भाई, जूता तो खोलना ही पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अभी अपन लोग खोल रहे हैं जूता, क्योंकि यार बारिश काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग देख के ही बता ही सकते हो, देख ही हो। तो जूता खोलना पड़ेगा, सॉक्स खोलना पड़ेगा अपने को भाई, मतलब डबल लेस वाला जूता है ना, तो खोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और पहनने में तो और भी ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। तो अपना सॉक्स भी खोल के अंदर डाल दिए, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है सॉक्स भी अपना, बट कोई ना, मैनेज कर लेंगे यार अपन लोग। ये लो, ये भी अंदर चला जा। और अभी देख रहे हो इधर का माहौल काफ़ी गंदा हो रखा है यार बारिश के कारण। लोगों को देखो कैसे जा रहा है बाइक से, एकदम मस्त ऐसे जा रहा है, और कुछ सारे लोग तो स्लीपर ही पहन के जा रहा है अभी, छाता वाता लेके। बट अपने पास छाता है नहीं, तो क्या ही कर सकते, बस ऐसे ही हाथ में जूता और ये झोला लेके चलते हैं इधर से बाहर की तरफ। बारिश तेज़ ही और हो रही है, कम नहीं हो रही है, तो अपने को पैदल ही चलना सही होगा, जूता खोल के ही।